मेरा नाम मयंक गांधी है, मैं आम आदमी पार्टी का मुंबई नॉर्थ वेस्ट का कैंडिडेट हूँ। 2003 से मैं इस क्षेत्र के अंदर सोशल एक्टिविटी के अंदर हूँ। अन्ना जी के साथ में था जब राइट टू इंफॉर्मेशन का उन्होंने किया कानून, और उस टाइम में जो 4 कानून किए थे, ट्रांसफ़र का लॉ था और ग्राम सभा को वापस बुलाने का सरपंच का अधिकार और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने वर्क किया था। उसके बाद मैंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नगर राज बिल का ड्राफ्टिंग भी किया था जिससे लोगों के पास पावर आ सके, और ये सारा एक एनजीओ के हिसाब से किया था। उसके बाद अर्बन प्लानिंग और अर्बन रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने काफ़ी वर्क किया था, तो महाराष्ट्र के जो लॉ बने थे उसके अंदर भी मेरा कहीं ना कहीं एक सहयोग था, और क्लस्टर डेवलपमेंट की पूरी पॉलिसी की थी। तो इस प्रकार से मैंने पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी मेरा काम था, और आंदोलन भी काफ़ी मैंने किए थे। और जब 2011 के शुरुआत में अरविंद मुझे मिले, हमारे पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जिम्मेवारी लेने के लिए, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन महाराष्ट्र की जिम्मेवारी मुझे दी थी और बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ थे। और फिर जब पॉलिटिकल पार्टी बनी और जब ये सोचा कि ये कचरा साफ करना है तो कीचड़ के अंदर हमें पैर रखना पड़ेगा और हमें अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लेकिन लगा कि इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है और इस देश में एक ईमानदार सच्चे राजनेता की ज़रूरत है, एक नए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, एक पूरा पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है। ये जब लगा तो हमें लगा कि इस देश के लिए हमें अपने आप को, अपना रेपुटेशन भी एक बार कुर्बान करना पड़े, तो हमें पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। तो पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर कमेटी का मैं एक मेंबर था, सदस्य था, और फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसका एक नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी मैं मेंबर हूँ, और महाराष्ट्र के जिम्मेवारी हम लोग सब लोग उठा रहे हैं साथ में, तो ये मैं काम करता हूँ। हम ये विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो सत्ता सत्ता के लिए नहीं होती है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए चाहिए। तो अगर मैं फ्यूचर में कभी एमपी बना तो मैं लोगों के बीच जाके पूछूंगा, हर मुद्दे के ऊपर उनका इश्यू है, क्या जवाब है, वो सारा चीज हम लेंगे। अभी तक जो हो रहा है ये माए बाप की सरकार हो रही है कि लोग जाते हैं हमको ये दीजिए वो दीजिए। मुझे लगता है कि हमें लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। मैंने जो नगर राज बिल जो किया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो रेगुलरली घूमते रहूँगा, पार्लियामेंट सेशन के पहले लोगों के बीच में मीटिंग्स बुला के उनको पूछूंगा क्या स्टैंड लेने चाहिए हर मुद्दे के ऊपर। तो ये बेसिकली इनके कठिनाई, उनके प्रॉब्लम वहाँ पे जाके या पार्लियामेंट में भी डिबेट करेंगे, मुद्दे उठाएंगे, सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पीपल सेंट्रिक पूरा पॉलिटिक्स होगा, अभी तक पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रहा है, अब ये पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़े उसके लिए भी हम लड़ेंगे, मोहल्ला सभा तैयार करना है, लोगों के बात को रखना, तो ये सब करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अब तक जो मुझे लगता है कि जो मेरा जर्नी था इस फील्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एस्केलेट होते गया, ये बड़ा 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 रोल प्ले करते गए देश के लिए। तो अब जो आम आदमी पार्टी बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा ही है, लेकिन अगर मिस्टेक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि पॉलिटिशियंस की स्किन कितनी पतली है या मोटी है। उन्होंने जब अग्री कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि हम जन लोकपाल लाएंगे, तब उनका विश्वास हमें नहीं करना चाहिए था, ऑनशन को और कंटिन्यू रखना चाहिए था, राइटिंग में लेना चाहिए था। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ पूरा पार्लियामेंट कहता है कि हम पास कर देंगे, फिर जो हमने उनका विश्वास कर दिया, कहीं ना कहीं हमें लगता है वो बड़ी गलती हो गई। वहां पे पूरी जनता हमारे साथ थी, ये सारे इस तरफ प्रेशर में थे, तब हमको पूरा ले लेना चाहिए था। तो फिर हमें बेवकूफ बनाया गया, इस पूरी देश को धोखा दिया गया है।